फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज दी वीडियो असं हिस्टरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करांगे जी, जिहड़े कि एसएसटी ते मास्टर कैडेट एग्जाम के आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें तुम जरूर कर लियो। तो मेरे चैनल में भी सब्सक्राइब जरूर कर दो, जो सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है जी, तो आप शुरू करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम नाल जाणिया जांदा सी, ओह कौन सी? तो कश्मीर का कौन सा शासक सी जी जो कश्मीर का अकबर दे नाम नाल जाणिया जांदा सी, तां ओह कौन सी? तो ए ऑप्शन है जी हैदर शाह, बी ऑप्शन है जैनुल आबिदीन, सी ऑप्शन है सिकंदर बुतशिकन, डी ऑप्शन है शमसुद्दीन शाह। तो कौन सी जी जो कश्मीर के अकबर के नाम नाल जाणिया जांदा सी? तो इसका जो राइट आंसर होगा जी होगा बी ऑप्शन, जैनुल आबिदीन। ठीक है जी, जैनुल आबिदीन जिहड़ा सीगा जी कश्मीर दे शासक सी, ते ओह कश्मीर दे अकबर दे नाम नाल जाणिया जांदा सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विजयनगर दा पहला शासक कौन सी जिसने पुर्तगालिया नाल संधि की सी? तो विजयनगर दा पहला शासक कहड़ा सी जी जिसने पुर्तगालिया नाल संधि की सी? तो ए ऑप्शन है जी हरिहर, बी ऑप्शन है कृष्ण देव राय, सी ऑप्शन है देवराय, डी ऑप्शन है बुक्का। तो विजयनगर का पहला शासक कहड़ा सी जी जिसने पुर्तगालिया नाल संधि की सी? तो इसका जो राइट आंसर होगा जी वह होगा बी ऑप्शन, कृष्ण देव राय। ठीक है जी, विजयनगर का पहला शासक कृष्ण देव राय सी जिसने पुर्तगालिया नाल संधि की सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कित्थे पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य जो अवशेष ने जी वह कित्थे पाए जाते हैं इन्होंने? तो ए ऑप्शन है बीजापुर, बी ऑप्शन है बड़ौदा, सी ऑप्शन है हम्पी, डी ऑप्शन है गोलकुंडा। तो कित्थे पाए जाते हैं जी विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, हम्पी विखे। ठीक है जी, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी विखे पाए जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित विचों किसने करवाया सी? चार मीनार जो कि हैदराबाद में है जी तेलंगाना में, तो वह निम्नलिखित विचों किसने करवाया सी उसका निर्माण? तो ए ऑप्शन है जी टीपू सुल्तान, बी ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, सी ऑप्शन है हैदर अली, डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, कुली कुतुब शाह ने। ठीक है जी, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों केड़ा सुल्तान नवा धर्म चाहता सी पर उलेमा ने विरोध किया सी? तो केड़ा सुल्तान सी जी जिहड़ा कि नवा धर्म चाहता सी पर उलेमावां ने विरोध किया सी, उलेमा ने विरोध किया सी? तो ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन इन्हां विचों कोई नहीं। तो केड़ा सुल्तान सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी जिहड़ा सी जी वह चाहता सी नवा धर्म चाहता सी पर उलेमा ने विरोध किया सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम निम्नलिखित विचों की सी? तो जिहड़ा दिल्ली का सुल्तान सी जी बलबन, उसका पूरा नाम की सी इन्हां विचों? तो ए ऑप्शन है इल्तुतमिश बलबन, बी ऑप्शन है जलालुद्दीन बलबन, सी ऑप्शन है ग्यासुद्दीन बलबन, डी ऑप्शन है इन्हां विचों कोई नहीं। तो दिल्ली का सुल्तान बलबन का पूरा नाम की सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सी ऑप्शन, ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है जी, दिल्ली के सुल्तान बलबन का जो पूरा नाम सी जी वह सी ग्यासुद्दीन बलबन, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों किस दे सल्तनत काल विच प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण दिता गया है? तो किस दे सल्तनत काल विच प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण दिता है जी? तो ए ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी ऑप्शन है जियाउद्दीन बरनी,
सी ऑप्शन है इबन बतूता, डी ऑप्शन है फरिश्ता। तो किस दे सल्तनत काल विच प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण दिता है जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा सी ऑप्शन इबन बतूता। ठीक है जी, इबन बतूता के सल्तनत काल विच प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण दिता है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, रजिया सुल्तान किस निम्नलिखित विचों किसकी पुत्री सी? तो रजिया सुल्तान जी सी जो किसकी पुत्री सी इन्हों विचों? तो ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है मलिक कफूर दी, सी ऑप्शन है नसीरुद्दीन दी, डी ऑप्शन है बलबन दी। तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री सी जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन इल्तुतमिश दी। ठीक है जी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों किस दे शासनकाल विच सब तो ज़्यादा मंगोल हमले हुए सन? तो किस दे शासनकाल विच सब तो ज़्यादा मंगोल हमले हुए सन जी? तो ए ऑप्शन है फिरोज तुगलक, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खलजी, डी ऑप्शन है इन्हों विचों कोई नहीं। तो किस दे शासनकाल विच सब तो ज़्यादा मंगोल हमले हुए सन जी? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा होगा सी ऑप्शन अलाउद्दीन खलजी। ठीक है जी, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल विच सब तो ज़्यादा मंगोल हमले हुए सन। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचों किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंघासन ते बैठने लई अपने सहुरे की हत्या कर दिती सी? तो किहड़ा खलजी शासक सी जी जिसने दिल्ली के राज सिंघासन ते बैठने लई अपने सहुरे की हत्या कर दिती सी? तो ए ऑप्शन है जी अलाउद्दीन खलजी ने, बी ऑप्शन है जलालुद्दीन खलजी ने, सी ऑप्शन है कुतुबद्दीन ऐबक ने, डी ऑप्शन है इन्हां विचों कोई नहीं। तो किहड़ा खलजी शासक सी जी जिसने दिल्ली के राज सिंघासन ते बैठने लई अपने सहुरे की हत्या कर दिती सी? तो इसका जो राइट आंसर होगा जी वह होगा ए ऑप्शन अलाउद्दीन खलजी ने। ठीक है जी, अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली के राज सिंघासन से बैठने अपने ही सहुरे की हत्या कर दिती सी। ठीक है जी, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन अलाउद्दीन खलजी। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जी हिस्टरी के जिहड़े कि SST के मास्टर कैडर एग्जाम के आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इन्हें तुम जरूर कर लियो। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो, भूलो ना, तो बैल आइकन भी प्रेस कर दियो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू मिलता रहे रैगूलर। ठीक है जी, उस तो इलावा जे कोई क्वेश्चन है तुहाडे कोल या कोई क्वेरी है तो तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुहानू रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करांगा जी। ठीक है जी, इस तों इलावा जे कोई होर कोई क्वेरी है तो तुसीं टैलीग्राम चैनल पर भी सानूं ज्वाइन कर सकते हो, इस चैनल के नाम से ही टैलीग्राम चैनल है जी। ठीक है जी, तो इस तों इलावा मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो कुछ होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाल, उद तक लई थैंक यू।